टीकमगढ़ शहर की मेडिकल छात्रा दिव्यांश साहू यूक्रेन युद्ध के दौरान फंसी हुई थी, जो देर रात सकुशल भारत वापस लौट आई है। महामाना ट्रेन से लौटी दिव्यांश साहू टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर परिजनों एवं शहर के नागरिकों ने बड़े ही उत्साह भाव से फूलमालाओं से स्वागत किया। दिव्यांशा के घर पहुंचने पर बेटी के वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल बना है। दिव्यांशा डॉक्टर मांडवी साहू की छोटी बहन है, जो MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी, जहां युद्ध के हालात में फंस कर रह गई थी, जो आज सकुशल टीकमगढ़ वापस आ गई। दिव्यांशा से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहा, जहाँ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मेरा नाम दिव्यांशा साहू है, मैं यूक्रेन में कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर की, और मैं यूक्रेन में कीव में थी, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी, और ये सब कुछ 24 की मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, सुबह के लगभग 2-3 बजे, और मुझे लगभग 6 बजे के समथिंग पता चल गया। मैं अपने दोस्तों के साथ थी, उसके बाद हम लोग सोशल नेटवर्क साइट्स पे चेक किया, तो वहाँ पे हमें समझ में आ गया था कि यूक्रेन पे हमला हो चुका है। उसके बाद लगभग 8 बजे के समथिंग हम लोगों ने घर के बाहर देखा, तो हमें फाइटर प्लेन्स जाते दिखे, हमें ब्लास्ट की आवाज़ें आने लगीं। जो यूक्रेनियन लोग थे वो अपना घर छोड़ के सेफ साइड जाने लगे, जैसे कि पोलैंड वगैरह, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया था कि सिचुएशन दिन पर दिन वर्स्ट होगी यहाँ पर। उसके बाद हम सुपरमार्केट गए, सुपरमार्केट में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है, ATM में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। लगभग हमें वहाँ पे 6 से 7 घंटे लगे सुपरमार्केट में, जो कि 2 घंटे का काम था, क्योंकि लाइन ही बहुत ज़्यादा लंबी थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोग आफ्टरनून के टाइम लगभग 2-3 बजे आए अपने घर पे, तो हमने फिर देखा कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने फ्लैट में नहीं रह सकते, हमें एक सेफ जगह चाहिए, जैसे कि बंकर्स हो गए या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हो गया। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की कि आप लोग सेफ जगह पर जाए, जो कि बंकर और मेट्रो स्टेशन है। तो हम अपना रात का रिस्क नहीं ले सकते थे कि जब बम ब्लास्ट होने लगे हम तभी वहाँ पर जाएं, इसलिए फिर हम लोगों ने 4 बजे वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में गए। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड था, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूरी रात निकाली, अपना पूरा दूसरा दिन निकाला, लेकिन वहाँ पे भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यूक्रेनियन सिटीजन्स वहाँ पे थे, उनके बच्चे थे, वो लोग रो रहे थे, और खाने पीने की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, वहाँ पे अंडरग्राउंड थे, तो वहाँ पे हम लोगों को बम की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें सभी सुनाई दे रही थी। मतलब आप समझिए कि वो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे था कि हम लोग अंडरग्राउंड हैं, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ें सुन सकते हैं, तो बाहर तो वो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी में चीज़ें चल रही होंगी। यूक्रेन की सरकार ने आपकी मदद की आप लोगों की? यूक्रेन की सरकार ने जगह जगह पे कुछ बॉर्डरों पे रेस्क्यू कैंप लगा के रखे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। जैसे मैंने ट्रेन पकड़ी कीव से लिविव के लिए, तो लिविव में जैसे जो भी उतर रहा है वहाँ पे, तो उन लोगों ने कैंप लगा के रखे हैं कि आपको पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था है। और उसके बाद पर ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, क्योंकि उनके देश पे संकट था, तो उन लोगों ने सभी के लिए कि आप आएँ, कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये उनने कुछ कुछ बॉर्डरों पर व्यवस्था की, पर हर जगह पर नहीं। जैसे मैंने बोला, मैंने कीव अपना छोड़ा, क्योंकि हमें समझ में आ गया था 27 तारीख को कि 24 तारीख को हमला हुआ है, हम अंडरग्राउंड मेट्रो में रहे, उसके बाद हम हॉस्टल चले गए, वहाँ पर भी अंडरग्राउंड रहे, लेकिन वहाँ पर भी रोज बम धमाका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।